आर सीरीज की पेशकश है कन्नड़ घाट, तीसरा पार्ट है ये। देख सकते हो ये गाड़ी पूरी खाई के नीचे जाके गिरी है, कम से कम 500 फीट नीचे गई है गाड़ी। इस गाड़ी का कुछ भी नहीं बचा है, इंजन टायर वगैरह सब निकाल लिया गया है, शायद मालक ने ही निकाला होगा। इस घाट में सबसे बड़ा रिस्क ये होता है खड्डों से। जो इंसान यहाँ पे खड्डों से बच गया तो मेरे ख्याल से उसने 80% घाट पास कर लिया हो, और जो इंसान खड्डे नहीं बचा पाया या ट्रैफिक उसको मिल गया तो समझो कि उसका 99% कुछ ना कुछ हादसे से पाला ज़रूर पड़ेगा। पर हादसे भी इतने होने के बावजूद भी काफ़ी यहाँ पे ट्रैफिक होती है, क्योंकि ये काफ़ी दूर दूर जाने के लिए शॉर्टकट भी रास्ता ही है। और देखने की बात ये कि इतनी ट्रैफिक के बाद में भी पब्लिक यही रास्ते से जाना पसंद करती है, इसलिए कि इस रास्ते के ऊपर औरंगाबाद सिटी, नांदेड़, परभनी काफ़ी दूर दूर के इसी होते हुए रास्ता निकलता है, बेंगलोर तक रास्ता जाता है, पूना मार्ग कर रही है। और ये भी देख सकते हो ये सबसे ऊँचे ही पार्ट, देखिए इसी खड्डे की बात कर रहा था मैं, जो अगर बैलेंस चुका तो एक गाड़ी तो नीचे जाएगी तो छोटे मोटे खड्डे में जाएगी, और दोनों तरफ से नुकसान सिर्फ ड्राइवर का ही होता है या मालक का होता है। 1000 एकड़ में पूरा जंगल है ये। और मैं यही बात बताने की कोशिश कर रहा था, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि अगर मेरे वीडियो से 2-3 लोग भी अगर समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पे कहाँ पर घाट पे खतरा है और कहाँ पर नहीं है, तो वो इस बात को सावधानी से गाड़ी चलाएंगे, और गलती से भी नए ड्राइवर को गाड़ी ना दें यहाँ पर। ये सबसे बड़ा, देखिए कितनी भी ट्रैफिक हो चुकी है यहाँ पर, 8 से 9 किलोमीटर का दरमियान ये घाट है, पर कभी अगर ट्रैफिक लग जाए तो ये 200 किलोमीटर लगती है कभी कभी, क्योंकि यहाँ पे कोई बात की सुविधा नहीं है घाट के ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हो खूबसूरती के लिए बंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप, और ऊटी जैसा लोकेशन रहता है कभी कभी यहाँ पर, बारिश का बारीक बारीक बारिश भी गिर रही है अभी। और यही बात आपको मैं कह रहा था ट्रैफिक के बारे में कि एक गाड़ी अगर फेल हो जाती है यहाँ पर तो काफ़ी बड़ी लाइन लग जाती है यहाँ पर ट्रैफिक के बारे में। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी ज़रूर दबाए, शेयर भी करें इस वीडियो को। ये जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ट्रैफिक क्यों होता है इस घाट के ऊपर, इसका बहुत बड़ा एक रीज़न यही है कि रास्ते ठीक नहीं होना। अगर रास्ते ठीक हो जाए तो यहाँ का नज़ारा कुछ और रहेगा। देखो इंसानों का तमाशा बंदर देख रहे हैं आज, ऐसे देख रहे हैं जैसे बहुत हिट तमाशा चल रहा हो, जैसे अपन बहुत से बार बंदरों के तमाशे बचपन में देखा करते थे, उसी तरह से आज बंदर इंसानों का तमाशा देख रहे हैं, हिट तमाशा ही है ये, मजाक बंदर भी उड़ा रहे हैं। और काफ़ी समझदारी की बात है कि बंदर कभी भी घाट के ऊपर ट्रक के बीच में नहीं आते, वो लोग बाई चांस कभी आ गए तो बात वो अलग है, पर कंटिन्यू नहीं आते जितने इंसान से ज़्यादा समझदार होते हैं जानवर। ये सबसे ऊपर का नज़ारा है, घाट जा ख़त्म होता है, और यहीं पर एक दरगाह है, शेख मारूफ कलंदर की दरगाह है, एक नीचे और एक ऊपर है। मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ, आप ये देख सकते हो सबसे ऊपर का नज़ारा ये, जो सामने इतना खूबसूरत नज़ारा है जो कैमरे में कैद नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ पे धुंधली चल रही है ज़्यादा, दोबारा जिसको कहा जाता है एक काले को नीला कर दो मार कर वीडियो को, जिसको लाइक कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात एक होती है कि यहाँ पर लोकेशन जो मिलना चाहिए पब्लिक को वो यहाँ हज़ारों एकड़ में जंगल फैलाई है। ये देख सकते हो आप, ये दरगाह है शेख मारूफ कलंदर बाबा की, जो सबसे ऊपर दरगाह ही है, चिल्ला ही है बैठक की जगह, बदले में यहाँ पे अगरबत्ती दी जाती है ड्रावरों को, इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं लेते वो लोग, अगर आप देना चाहो तो भरे ले ले वे वो। और ये सबसे बड़ी पॉइंट है कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।